वेलकम टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट सौभाग्य आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पंडलोसिस. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले अभी हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था सर्वाइकल स्पंडलोसिस को लेकर लास्ट वीक, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समटाइम्स उसमें क्लियरिटी नहीं रहती, इसलिए मैंने एक लाइव वीडियो की जगह एक एक्स्ट्रा वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग की कोई और प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना ही हो तो आप उसको देख सकें. तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस का. जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों से कि यार मेरे को सर्वाइकल हो गया है, मेरे को नेक रीजन में पेन रहता है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप ज़्यादा ऊँची पिलो नहीं लगाइए या ज़्यादा ऊँची तकिया नहीं लगाइए, या कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैं मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ तो आजकल मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है. काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में इसके बारे में. और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं टीवी देखता हूँ तो उसकी वजह से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, या फॉरवर्ड बेंडिंग का कुछ काम करते हैं, या लेडीज़ जो घर में काम कर रही हैं उनको भी कभी कभार फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आगे की झुक के देखने की वजह से या नीचे देखने की वजह से ना जो है सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस हो जाता है. तो उसी बात को समझाने के लिए, चलिए इतना तो आप लोगों को क्लियर होता है, मगर उसी को और क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस मोस्टली नेक रीजन में जो आपकी जो वर्टिब्राज होती हैं उसमें जब कभी वियर एंड टीयर होता है ड्यू टू फिजिकल प्रेशर की वजह से, या कोई चोट लगे ट्रोमा की वजह से, या एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि उसमें जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो गई है, या उसका डिहाइड्रेशन हो गया, उसका वाटर कंटेंट कम हो गया है, या उसमें बल्ज निकल आया है, तो उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस होने के चांसेस रहते हैं. एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस मोस्टली इसको आप एक डिसीज़ नहीं कह सकते हो, ये जो है डीजनरेटिव प्रोसीजर की वजह से, एज रिलेटेड होने की वजह से होता है. मतलब आपने कभी इसके देखा नहीं होगा कि छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल या 10 साल के बच्चों को सर्वाइकल हो गया, ऐसा नहीं होता. अधिकतर ये जो होता है ज़्यादा एज के लोगों में होता है, जैसे 40 के 50 की उम्र में, 60 70 की उम्र में ज़्यादा होता है, मगर आजकल थोड़ा यंग एज में होने लगा, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि आजकल वर्किंग है नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं हम लोग ज़्यादा, मोस्टली कंप्यूटर के सामने बैठने का काम है, दिन भर मोबाइल चलाने का काम है, या लेट की टीवी देख रहे हैं, तो आजकल 20-22 की उम्र में भी किसी किसी को प्रॉब्लम होने लगती है. ठीक है, तो इसको डिसीज़ ना समझ करके, ये ड्यू टू प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, और समटाइम्स ये एडिक्शन अल्कोहल की वजह से भी, या टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस हो जाता है. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जितने भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं ये बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करती है, मतलब कि वाटर कंटेंट कम कर देती हैं, और डिस्क को जो है उसका पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्क पतली हो जाती है, दैट मीन्स थिनिंग ऑफ द डिस्क हो जाता है, या डेसिकेटेड डिस्क हो जाता है, या डिहाइड्रेशन ऑफ द डिस्क, या डिस्क डीजनरेशन हो जाता है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, इवन मैंने एवियन के केसेस में भी कहा है कि अल्कोहल को कम करना है. अल्कोहल जो होता है आपकी जो कार्टिलेज है, चाहे वो हिप जॉइंट में हो, चाहे वो आपका जैसे ये स्पाइन का मैं दिखा रहा हूँ इसमें हो, इन सभी चीज़ों में डिस्क में जो है जो कुशन है आपके दो जॉइंट के बीच में जो कुशन है उसको ये पतला करता है. तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सर्वाइकल रीजन होता क्या है. तो ये एक मॉडल है, ये स्पाइन है पूरा, ये इसका हेड साइड का पोर्शन है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, और ये आपका ये इसका जो है हिप जॉइंट है, एंड ये इसकी जो है ये टेल बोन है. ठीक है, तो होता क्या है, आप देख रहे हो स्पाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिब्रास है, ये चिटनी हड्डियाँ दिख रही हैं, बोन्स दिख रही हैं, ये सब वर्टिब्रा. ठीक है, इनके बीच में एक गद्दी है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन या कुशन का काम करती हैं, और किसी भी तरह का झटका लगता है तो उसको उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी प्रदान करती है. एक चीज़ आप देख रहे होगे, आपका स्पाइन का शेप भी देखिए कैसा लहरदार है. ठीक है, तो ये एक तरह से बिल्कुल एक सस्पेंशन की तरह का काम करती है, जब भी ऊपर से झटका लगता है तो ये स्पाइन लचक जाता है. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है इसकी शेप की वजह से भी, प्लस बीच में जो ये कार्टिलेज है उसकी वजह से भी ये एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जब भी कभी प्रॉब्लम, लोग कहते हैं कि मुझको प्रॉब्लम कमर में है, कुछ दिन या कुछ साल पहले मेरे को कमर में प्रॉब्लम थी, अब मुझको नेक में भी आ गई है, या नेक में प्रॉब्लम थी मुझे कमर में भी आ गई, कहने का मतलब ये है कि पूरा स्पाइन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है.
अगर आपको किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम होती है, सपोज सर्वाइकल रीजन प्रॉब्लम होती है, तो कुछ दिनों बाद लंबर रीजन में प्रॉब्लम आने के चांसेस, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है। अगर आपका स्पाइन सपोज स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए, तो दैट मीन्स अगर ये सीधा हो जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, मगर ये और ये इन दोनों हेड और टेल के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। तो होता क्या है कि अगर ये सीधा हो जाएगा तो ये कार्टिलेजों को, जितनी भी कार्टिलेजेस हैं, इन सबको प्रेस करेगा, दबाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पाइन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए हमें जो हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, उसमें हम पूरी स्पाइन को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी पूरी स्पाइन जब करेक्ट हो जाती है, आपकी कई सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। चलिए टॉपिक पर फिर से आते हैं। तो ये हमने आपको स्पाइन के स्ट्रक्चर बारे में बताया, ये इसका हेड पोर्शन है और ये इसका ये हिप का पोर्शन है नीचे का, और ये टेल बोन है। ये एक पेशेंट समझ सकते हैं आप, ये बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, ये पेट की साइड का पोर्शन है और ये इसका बैक के साइड का पोर्शन है, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन जो होता है, ये स्टार्टिंग की जो 7 वर्टिब्राज होती हैं उसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं पास से, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। ये जो वर्टिब्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ तक की जो वर्टिब्राज है ये आपकी सर्वाइकल। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली, ये देख रहे हैं बड़ा सा, यहाँ तक का ये 7वीं वर्टिब्रा है, ये ऊपर आपको पीछे फील होता है उठा हुआ सा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन सर्वाइकल रीजन होता है। अब होता क्या है कि इन वर्टिब्राज के बीच में एक स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है, जिससे ब्रेन से मेन नर्व अंदर जाती है नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ अंदर की हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो वर्टिब्रा है ये ब्रेन से एक आ रही है मेन नर्व, ठीक है, और उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग ब्रांचेज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ऐसे आप इसमें देख रहे होगे स्पाइन के मॉडल में, इसमें देखिए राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों ब्रांचिंग है। ये ब्रांचिंग क्या करती है, इससे नर्व्स जो है डिवाइड होती है, और ये आपके करस्पॉन्डिंग एरिया में, मतलब नेक में, शोल्डर में, है ना, समटाइम चेस्ट में, इवन हेड में भी पीछे की ओर जो है आपके नर्व सप्लाई करती है, ठीक। और जब कभी भी इसमें प्रेशर होता है, ठीक है, जब कभी भी इसमें प्रेशर डेवलप होता है तो इन करस्पॉन्डिंग एरिया में पेन होने की संभावना रहती है, या दोनों हाथों में नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब झंझनाहट प्रोड्यूस होना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर में भी दर्द होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि चक्कर आता है, और किसी किसी का बीपी, ज़्यादा एज के लोग होते हैं तो उनका बीपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये था आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर, और इससे कौन कौन सी नर्व्स जाती हैं, किस किस एरिया में जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये एक मोटी मोटी बात आपको मैंने समझा दिया कि ये ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर की वजह से, गलत तरीके से बैठने की वजह से, या लेट के, कुछ लोग टीवी देखते हैं दीवार का टेक लगा के, टीवी देख रहे हैं दीवार में, मतलब सर का टेक लगा दिया, सर को आगे फॉरवर्ड झुका दिया, उससे देख रहे हैं, या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लंबे समय तक, या ऑफिस में कंटिन्यूस बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। या आप जैसे घर में किचन में आप काम कर रहे हैं, रोटी बेलने का काम है, तो उसमें आपको नीचे देखना पड़ता है, तो नेक का जो है नीचे की ओर झुकता है, उसकी वजह से भी। या कुछ लोग सड़क पर भी चल रहे हैं तो नीचे ज़मीन पर देखते हुए चलते हैं, आपको सामने देखना है, पहले से ही आपको आइडिया रखना है कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, मतलब आपको सामने देखना है, तो इसके लिए सर्वाइकल कॉलर रिकमेंड किया जाता है। वो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है सो दैट कि वो आपको इनहिबिट करे, रोके कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, मतलब अपने नेक को नीचे की ओर ना झुकें। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे तो जो कार्टिलेज है उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो जो है बल्ज नहीं बनेगा, ठीक है। काफ़ी हद तक तो आप लोग ये अपने सर्वाइकल के केस अपने आप ही अपने घर पर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक। और मोस्टली नियर अबाउट 70-80% केसेस, अगर आपने अपने बीमारी के कॉज को ख़त्म कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा, या 60% तक आप मान सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं, या डॉक्टर्स आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एरिया में, जो भी डॉक्टर्स होगा वो भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प करता है उसमें, जैसे पेन किलर्स देते हैं या कुछ और मेडिसिन देते हैं, तो उससे क्या है कि बॉडी को हेल्प मिल जाती है और वो भी आपके पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। हर केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होगा, आपको डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट रखनी है, और क्या आप गलती करते हैं, क्या खराबी जो आपके उसमें प्रॉब्लम है वो भी आपको ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपने घर, अपने आप घर में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास, हमारा सौभाग्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र शारदा नगर कानपुर में आप हमारे पास आ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9151736092,
और दूसरा जो नंबर है 7007968664। आप इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट्स मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए जो करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज होगी या मेडिसिन होगी वो हम आपको एडवाइस कर देंगे। इसके बाद आप हमारे सेंटर में आइए, जो हम लोग जिनको डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड कर देता है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोग अपनी आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी से आपके आपके बोन्स का प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करेंगे और आपको सर्जरी से बचा के लाते हैं। ठीक है, तो सर्जरी की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि एक बार हम लोगों से सलाह ज़रूर लें और एक बार इसका ट्रीटमेंट लेके सर्जरी को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, सो दैट कि आप अपनी लाइफ को आसान बना सकें। इसके साथ साथ हमारा आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल कानपुर के नाम से एक फेसबुक पेज भी है। आप हमारे फेसबुक पेज में जा करके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और आप उसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आप लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आप इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे किस एक नए टॉपिक को लेकर, नए वीडियो को लेकर। आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके देन, बाय बाय।